यस सर गुड मॉर्निंग यस सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आई होप समझ में आ रहा है सर आपको आई होप सर जीएसटी लेवी कब होता है ये पता समझ में आ रहा है सर आपको पूरा अरे हा भाई तो सर इंटरा हो या इंटर स्टेट हो सर सी जीएसटी और एस जीएसटी हो या आई जी हो यू टेलमी जीएसटी लेवी कब होगा सर आवाज नहीं रही जीएसटी भी क्या हो सर सप्लाई और हम क्या पढ़ रहे सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन।, सेवन स्टार्ट करें सर पक्का ओके विग

सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन क्या बोलता है बेटा सप्लाई आवाज नहीं रही सप्लाई इंक्लूड सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी एंड सी क्लोज नंबर ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेन सच सप्लाई आर मेड और अ ग्रिड बी मेड बायर्सन फॉर अंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्द ऑफ हिज बिजनेस मतलब सप्लाई शुड बी इन दी कोर्स और ऑफ़ बिज़नेस प्लस इट शुड बी इन दी इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया होना चाहिए हा भाई क्लियर अगर आपको गिफ्ट मिला है डोनेशन मिला है सर विदाउट द इंटेंट टू अर्न कंसीडरेशन आपने कोई काम किया है तो सप्लाई नहीं है भले ही पैसा कोई कंसर्न नहीं अरे क्लियर समझ मेरी बात पक्का डन सर क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या एओपी बीवाई क्लब जॉइंट वेंचर और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे उसके मेंबर्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो अलग अलग पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन यस वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा और उसमें भी जीएसटी लगेगा हाँ ना मालिक अरे क्लियर yeah. ठीक सर क्लोज नंबर बी कोई बात नहीं अगर आपने for a वो भी क्या होगा सप्लायर होगा और सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा जीएसटी पढ़ा था इसके बारे में क्या आपनेटफ्लिक्स डॉट कॉम का एग्जाम्पल बेटा क्या बच्चा आपको आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपने कोई वीडियोस सब्सक्राइब किए सर्विसेज। मालिक? ठीक सर फिर हमने पढ़ा था क्या? कोई बात नहीं। अगर consideration भी नहीं है अगर कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर वन में कवर है तो वो सप्लाई होगा ऑल दो इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन और शेड्यूल नंबर वन का पैरा नंबर वन, वन बोलता है क्या परमानेंट ट्रांसफर क्या बोला मालिक परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस वेर इनपुट टैक्स क्रेड हैज अवे अगर किसी गुड्स के परचेज पे आपने आईटीसी नहीं लिया था और फिर उसको आपने विदाउट कंसिडरेशन

ओके सर क्लोज मी का सेकंड पेरा बोलता है क्या सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और 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 पर्सन इन कोर्स ऑफ़ हिज़ बिज़नेस विदाउट कंसीडरेशन क्या होगा बेटा ये सप्लाई होगा एंड क्या लगेगा बच्चे जीएसटी पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को फ्री गिफ्ट दिए हैं अपटू वैल्यूफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एनम पर एम्प्लॉय तो सप्लाई के स्कूप में नहीं आएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा पक्का बच्चों सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बेटा पेरा नंबर थ्री वन का बोलता है क्या कोई बात नहीं कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई होगा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अंडरटेक्स टू दस्टमर तो ऐसे कैसे मानेंगे कि एजेंट ने कस्टमर को बेचाया गुड्स बैठा तो प्रिंसिपल के साथ एजेंट यहाँ जाएगा तो क्या मान लेंगे सप्लाई हो गया और क्या लग जाएगा बच्चे जीएसटी सेम वे

क्लियर अब एजेंट के एज से प्रिंसिपल के आएगा तब क्या मान लेंगे बेटा वो सप्लाई हो गया और ऐसे केस में एजेंट जो मेरे को बिल बनाएगा उस पे जीएसटी चार्ज करेगा बेटा बोलो या सर yeah. और आरजे सर का जो बिल होगा उसके बेस पे क्रेडिट किसको मिलेगा एजेंट को मिलेगा बेटा क्लियर ये चीज समझ में आ की बच्चों आपको 100% आवाज नहीं आ रही सर yes, sir. फिर हमने बात करी थी किसकी डेल क्रेडर एजेंट के सर्कुलर के बारे में बात करी थी सर डीसी ने अगर जो कस्टमर को गुड्स बेचा है उससे ओवर एंड अबाउट द तो प्राइस अगर उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो सर ध्यान देना वो इंटरेस्ट एग्जिम होगा अगर उस डेल क्रेडर एजेंट ने कस्टमर को जो बिल इशू किया है वो मेरे नाम का बिल इशू किया बेटा क्योंकि ऐसे केस में मैंने सप्लाई किया कस्टमर को बेटा उसने क्यों लोन दिया है बेटा हाँ ना भाई और डीसी ने अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया कस्टमर को इसका, इसका मतलब डीसी मतलब एजेंट ने, ने सप्लाई किया किसको कस्टमर को और खुद ने अगर सप्लाई किया मतलब वही सप्लायर और सप्लायर ने वैल्यू का पार्ट बनता है और उसमें भी क्या लगता है बेटा? 100 Done, ये था क्या? पेरा थ्री आई होप पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको आवाज आ रही हो डिस्टिंग पर्सन की कहानी पूरी समझ में आई बेटा आपको अरे ये सेनो सर याद आया क्या वो इंडिगो एयरलाइंस मुंबई से दिल्ली वो याद आया बेटा आपको क्या पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन वगैरह याद आया बच्चों आपको तो ऐसे कैसे बताओ वो सप्लाई है कि नहीं सर आवाज नहीं आ रही हो सप्लाई है कि नहीं सर बिल्कुल है सर अरे क्लियर पक्का सर पता है कल ये दो पैराग्राफ पढ़ने में हमको पूरा दिन लगाया बेटा और अभी दो मिनट सर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर बहुत सारे लोग दूसरे पेपर के बाद लिए एक छुट्टी होती है ना भाई तो लगभग वन एंड हाफ डे मिलता है आपको पढ़ने के लिए बेटा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पूरा रिवाइज नहीं होता है वो रिवाइज करते ही नहीं वो तो री रीडिंग करते हैं रिविजन कैसे होता है समझ में आ रहा है क्या आपको सर आवाज यानी सर पक्का चलिए सरकार ये था पेरा नंबर थ्री ऑफ शेड्यूल नंबर ऑफ ऑफ दी एक आइए सर यहां फिट करना दे मेरे को <clears throat> इंपोर्ट अच्छा, हम क्या पढ़ रहे बेटा जीएसटी तो पढ़ रहे ऑब्वियसली जीएसटी में क्या पढ़ रहे बेटा हम सप्लाई में क्या पढ़ रहे बेटा हम कब आता है बेटा जब कंसिडरेशन नहीं है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो तो हम क्लोज नंबर सर क्लोज नंबर ए और हमने बी पढ़ लिया बेटा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन भली बिजनेस की हो या ना हो बेटा हा ना भाई हम बात करेंगे इसकी विदाउट कंसिडरेशन की डिफरेंस आना चाहिए रहा है शायद पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है सर यहाँ पे अरे हा ना सर तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज सर्विस तो अब बात करूं क्या ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेटा डिस्टिंग आउट ऑफ इंडिया कोई आपकी ब्रांच है या आउट ऑफ इंडिया कोई रिलेटेड पर्सन है उन्होंने आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है इन दी कोर्स फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस तो ऐसे कैसे वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई होगा और क्या लग जाएगा बचे जीएसटी yes. ध्यान से। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या बोला सर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ़ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होता क्या बोला मालिक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होता तुम इतनी बातें तो करता ही नहीं सर आपसे ये लो सर ये बना रखा है आपके लिए हर चिंता क्या करते हो आप लोग यार ओ भाई ओ सरकार ओ सर एक बार एक बार एक बार देखो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मिला क्या बच्चे आवाज नहीं आ रही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर फॉर अ कंसिडरेशन होता फॉर अ चलो एक बार बुक ओपन कर लिए कर लीजिए अब ध्यान में तरफ और मेरे साथ होना चाहिए पॉइंट आपका बेटा क्लियर देखो आपका थॉट्स आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच और मेरी थॉट्स एक साथ चलेगी ना सर तो माहौल ही सर हाँ ना भाई समझे मेरी बात चलिए सर सर ओके, शुरू करूंगा बेटा बात को देखिए सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर फॉर अ कंसिडरेशन होता अगर आवाज रही, अगर फॉर अ कंसिडरेशन होता तो सुनना रहे, भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो वो डेफिनेटली सप्लाई होता है ना अरे क्लियर अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो सर अगर बिजनेस के लिए है तो वैसे भी क्लोज ए में कवर है बिजनेस के लिए नहीं भी है तो भी क्लोज नंबर बी में कवर है अरे क्लियर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप क्लोज में बी में कवर करो भले कंसिडरेशन हो भले इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस हो या ना हो फॉर अ कंसिडरेशन है सप्लाई है बात खत्म भारत माता की जय क्लियर मैं तो बात कर रहा हूं किसकी विदाउट कंसिडरेशन फीस ही नहीं है यार आप मुझे बताओ आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा फ्री वाले फ्री वाले ओ भाई साहब फ्री वाले <laughs> आप मुझे बताओ सर आ, आ, सर ध्यान देखो मेरा टारगेट एग्जांपल समझाना नहीं बेटा एग्जांपल के मजे लो पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्लियर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किए बचे गूगल से आपने हेल्प ली बेटा कुछ हाय ना मलिक सर क्या कोई कंसल्टेशन पे किया वहां पे बेटा आपने क्या कोई कंसल्टेशन पे किया तो क्या जीएसटी पे करोगे क्या इंडिया में जीएसटी वो गूगल वाला के जीएसटी पे करेगा लूट जाएगा बेचारा यार ना कुछ मिला ना कुछ दिया हाँ ना भाई क्लियर तो सर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करिए इसे जनरली तो उसको इंपोर्ट नहीं मान सकते जनरली तो उसको सप्लाई नहीं मान सकते जनरली तो उसमें तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते कोई तो मानेंगे ना यार हाँ ना भाई ना आप सचिए आजकल तो जो भी सर्च करना आपको गूगल पर सर्च करते बेटा अरे क्लियर सर नाउ माई पॉइंट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउटेशन तो कोई स्पेशल बात होगी इसलिए लिखा है क्या होगा अगर आपने वो services import करी from your related person और इंडिया इन दर्सरेंस ऑफ योर बिजनेस अच्छा इन दी कोर्स फर्दरस ऑफ बिजनेस लिखा होना कंपलसरी क्यों बेटा है पे? भाई सर्विस कहां से इंपोर्ट हुई है आपके रिलेटेड पर्सन से मतलब आउट ऑफ इंडिया से किसने सर्विस दी बेटा आपके रिलेटेड पर्सन ने अब सोचो वो इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस नहीं लिखा होता तो तो आउट ऑफ इंडिया अगर आपके रिश्तेदार है बेटा उससे आप बात करें तो भी सप्लाई हो गया बेटा वो तो हाँ है ना सर समझे मेरी बात इसलिए क्या बोला सर इसीलिए जहां पे भी रिलेटेड पर्सन देख लो आप वहां पे इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस तो हो गई होगा क्लियर अब सर मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल थ्रू तो मजा आएगा सर आपको अच्छा मैंने पर्सन नहीं बोला बेटा आपको आप देखोगे बार बार डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर जीएसटी बेटा अब जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा क्या इसलिए डिस्टिंग पर्सन नहीं बोला मैंने क्या बोला मैंने बेटा डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बोला मैंने आपको हा मालिक अरे हाँ। क्लियर yes no? yes, तो डिस्टिंकट पर्सन नहीं बोला ठीक है बात करता हूं मैं आपसे समझाता हूं बेटा बात को ओके देखो अभी तक मैंने आपको पॉइंट बोला है अब मैं समझाऊंगा बेटा आपको ठीक है बेटा सर सर यहाँ गलती से डिस्टिंग पर्सन लिखा है आप यहां वैसे आप देखेंगे ना ही बेटा अरे क्लियर समझे मेरी बात ठीक है वो लिखा है वो तो ठीक है चार्ट के अंदर कोई टाइपिंग में हुआ होगा जाने होगा हो ओके okay, अभी मैं बोलू बेटा अभी ओके okay, ओके okay, ओके okay, ध्यान इधर इधर ध्यान ध्यान बच्चों मेरी तरफ बेटा ठीक है अब बुक्स में नहीं बच्चों बुक्स में पढ़ा देना आपको अच्छा बुक से पढ़ के अगर पूरा समझ में आता तो मंगल यह पे नहीं आता है हाँ ना सर ठीक है ध्यान देना बच्चों सर जैसे डिस्टिंग पर्सन बोलते ही आपको पूरी पिक्चर याद आ रही है रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बेटा ठीक है वैसे मुझे हर पॉइंट करना है बेटा

या आपकी कोई सिस्टर कंसर्न आउट ऑफ इंडिया बेटा आपका रिलेटेड पर्सन हो गया ना यार अरे याद है रिलेटेड पर्सन कल पढ़ा था हमने बेटा क्लियर सर आपकी होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया है आपकी सब्सिडी आउट ऑफ इंडिया है एक्स वाई जेड कुछ भी समझ लीजिए बेटा आप क्लियर तो ऐसे केस में सर वहां से आपने कोई सर्विसेज ली है इंडिया में भले वो विदाउट कंसिड्रेशन हो पर अगर इट इज इन दी कोर्स फर्द बिजनेस तो वो सप्लाई होगा और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चों जीएसटी अरे क्लियर मैं तुम्हें समझाता इसका के थ्रू मान लो मेरी एक फैक्ट्री है मैं क्या बनाता तो हूँ हमारे किसी सप्लायर से कोई डिस्प्यूट हो गया और सर हमारी हमको अब उस उसके अगेंस्ट लीगल केस फाइल करना है बेटा तो उसको एक लीगल नोटिस देना है बेटा सर अब लीगल नोटिस के अंदर हम एक्सपर्ट नहीं है पर मेरी एक ब्रांच है यूएस में बेटा हमारी एक ब्रांच है यूएस में हुई एक्सपर्ट इन लीगलिटी बेटा क्लियर या मेरा कोई रिलेटेड पर्सन है आउट ऑफ इंडिया हु इज द एक्सपर्टीज ऑफ लीगल नोटिसिस क्लियर उन्होंने क्या किया बेटा आउट ऑफ इंडिया से लीगल नोटिस हमारे उस सप्लायर को भेजा और सर हमसे कोई फीस चार्ज नहीं करी अच्छा फीस चार्ज करता तो तो जल्दी बोलो तो एनीवे सप्लायर anyway, था बेटा बोलो पर उसने हमसे फीस चार्ज नहीं किया क्लियर उसने लीगल नोटिस भेजा हमारे लिए किसको हमारे उस सप्लायर को जिससे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों यू टेल मी वो सप्लाई किसको पे आएगा कि नहीं आएगा वो सप्लाई किसको पे आएगा कि नहीं आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अरे गुड्स तो इंपोर्ट नहीं किए बेटा हमने उसे लीगल सर्विसेज ली बेटा आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम इज रिलेटेड पर्सन और अ

अ लॉयर आउट ऑफ इंडिया यूएस में एक लॉयर है बेटा और उसने मेरी फैक्ट्री में जो मार्केट बनते हैं वहां पे मेरे सप्लायर से झगड़ा हो गया उसने लीगल नोटिस भेजा बेटा लिए बताओ सप्लाई है कि नहीं सर आराम से एक एक वर्ड बताओ मुझे पहले आप। इम्पोर्ट है कि नहीं बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आवाज नहीं आ रही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्लियर सर विदाउट कंसिडरेशन आवाज नहीं रही बट yes. क्या आपने ये सर्विसेज आपके रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करी है क्या भाई आपका रिलेटेड पर्सन है भाई रिश्तेदार नहीं, नहीं।, नहीं, 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 नहीं है नहीं है भाई रिश्तेदार होता अगर वो आप डिपेंडेंट होता या वो हो डिपेंडेंट

और ऐसे कैसे जीएसटी नहीं लगेगा दिस इज टाइम्स क्लियर तो सर मैं आपको जीएसटी का आइडिया देने नहीं आया हूं जीएसटी एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो बताने आया हूं वो पढ़ाने आया हूं हाँ है ना भाई एक एक वर्ड समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर आपको आवाज नहीं आ रही सर आपकी

तो ऐसे कि इसमें कौन लाइवल होगा कौन मतलब रेसी पेड़ जिसने सर्विस इंपोर्ट करी ना बेटा वो लाइवल होगा रिवर्स चार्ज में बेचा हाँ इसके कुछ एक्सेप्शन है बेटा जैसे नेटफ्लिक्स डॉट कॉम बेटा हम पढ़ेंगे बाद में रिवर्स चार्ज लिए मैंने पढ़ाया नहीं बेटा पूरा आपको हाँ है ना क्लियर वना सोचिए आपने आउट ऑफ इंडिया से वीडियो सब्सक्राइब की पेड़ सब्सक्रिप्शन बेटा और रिवर्स चार्ज में अगर आपको टैक्स पे करना होता बेटा तो रात को वीडियो सब्सक्राइब किया सुबह उठ के जी पे करोगे पापा पूछेंगे हो क्या रहा है भाई घर में ये

फर्स्ट परमानेंट देखो टेम्परी ट्रांसफर भी होता है बेटा जैसे रेंट पे दिया था वो टेम्परी हो गया बेटा है ना क्लियर क्या बोलने का बच्चा परमानेंट yes. हाँ जी जल्दी बोलो सर फर्स्ट पेरा क्या है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड अगर उन परचेज ऑफ गुड्स में आपने आईटीसी लिया है अगर उन परचेज ऑफ गुड्स में आपने आईटीसी लिया है और सर अगर आपने उन गुड्स को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा क्योंकि परचेज क्या ले लिया बेटा आईटीसी ले लिया

उसने अपने बिजनेस के लिए सर्विस ली की नहीं ली बेटा ओके बच्चे ओके बच्चो नंबर वन खत्म होता है अब यस या नो यस या नो पक्का माहौल जबरदस्त शानदार सर बोला था ना चढ़ती शराब से नहीं माहौल से समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर आपको अरे आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में सर अरे पक्का ओके okay. <coughs> एक सेकंड ना बेटा हाँ जी एसी

ओके ओके सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी इधर ध्यान ओ मालिक सर सर बहुत ही बढ़िया माहौल जबरदस्त शानदार सरकार सेक्शन नंबर सेवन चल क्या रहा है आखिर जीएसटी जीएसटी लेवी होता है सर अरे जीएसटी लेवी होता है सर सप्लाई एंड सप्लाई को कहा डिफाइन किया सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन क्या बोलता है बेटा सप्लाई इंक्लूड सप्लाई इंक्लूड क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई अभी हम क्या बोलते सेक्शन नंबर सेवन सबसे रिवाइज कर रहे हैं सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्डर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोड सर्विस और बहुत सप्लाईजर मेड और अग्री टू मेट बायर्सन फॉर अंसिडरेशन केवल इतना काफी नहीं है इट शुड बी इन दर्सर बिजनेस तो वो सप्लाई होगा वो ना सप्लाय नहीं होगा है हाँ ना सर है वो वाला बेटा समझे तो ये बोलता क्या ने अपने मेंबर्स को कुछ किया बेटा हाँ ना भाई गुड्स हो या सर्विसेज हो या मेंबर्स ने एओपी बीओ को सप्लाई किया बेटा या एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सप्लाई किया बेटा हाँ ना भाई

क्लियर वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं बस हिंट दिया बेटा मैंने आपको ओके बच्चों, सर फिर हम पढ़ रहे क्या सर क्लोज नंबर सी कोई बात नहीं वी डोंट केयर भले ही कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो क्या होगा सप्लाई होगा और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चे वो सारे ट्रांजेक्शन जो कहां कवर है बेटा शेड्यूल नंबर वन में कितने पेरा कवर है बेटा वाँ। चार फर्स्ट

समझा कि नहीं समझा सर क्या हमने जो भी बात करी है इस बात को समझने में दो तीन दिन लग गए बेटा हमको क्लियर पर आपकी टिप्स पे है कि नहीं सर पर हमने क्या इसको याद किया है याद हुआ है बेटा आपको अच्छा याद होने से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या समझ में आया बच्चा आपको क्लियर लाइफ में ध्यान रखिए बेटा ये कभी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कि राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये नहीं आएगा यार क्लियर समझा मेरी बात सर आपको कोई ट्रांजेक्शन दे देंगे बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर हाई ना भाई क्लियर yeah. एंड आपका माइंड एनालिसिस करना चाहिए इसलिए सर हमको हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है है बच्चों ठीक एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि सर आपके दिल तक बात पहुंचा दो बेटा और आपका दिल कह ना सर हाँ सर ये होना चाहिए सर और वही अगर लिखा है लोगों के अंदर मजा आ जाएगा ना सर आपको तो यार हाँ ना भाई डन yeah. सर बहुत अच्छा बेटा एंड रियली आई अप्रिशिएट दिस माहौल सर क्लियर जिस तरीके से आप हो ना सर यहाँ पे जिस तरीके से आप देखते हो पढ़ते हो जिस तरह से आपका ध्यान रहता है जिस तरह से आप यू नो मैं कोई वर्ड बोल आपको तो आप so really. माहौल जबरदस्त तो ये ताजा आपके लिए बचो माहौल सर सुना बात से <coughs> तो सरकार इनकेसटी क्या बोला सर जीए, एक क्वेश्चन पूछू क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ देना बेटा ठीक है अब ये आपके लिए क्या है टेस्ट है ये वाला कि देखते समझ में आया कि नहीं आया आपको ओके okay? अच्छा मान लो बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही शानदार मैं <coughs> क्या बनाता हूं सर वी मल्टीपल बिजनेस यू नो सर हम दवाई बनाते दवाई मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी सर हम ड्रग्स यस मान लो सर हम मेडिसिन बनाते वी आर मैन्युफैक्चरिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन वी आर आर फार्मास्यूटिकल कंपनी सर दवाई बनाए बेटा हमने यार समझना ओ होशरी प्रैक्टिकल बेटा एंड आ, ये मैं बता रहा हूँ आपसे ये आपका टेस्ट हो रहा है कितना समझ में आया कितना नहीं आया एंड एक बात और मेरे को इसका आंसर जल्दी नहीं चाहिए ओके मेरे को इसका आंसर शांति से चाहिए आराम से शांति कौन है वो छोड़ दो बेटा क्लियर <laughs> <Clear>? सर अरे <laughs> आप बोलो उससे पहले मैं बोल देता हूँ बेटा सर सुनना विजू भैया ने और दर्शन सर ने आपको बिगाड़ लिया बेटा और थोड़ा थोड़ा आ सर, मेरे में भी आ रहा है बेटा सर अभी तो बहुत बाकी है बेटा वेरी गुड बेटा सर ऐसा नहीं है धीरे धीरे जैकेट खोल के आऊ घर पे फिर शर्ट खोल के पड़ा इधर सर मान लो सर वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन जब दवाई बनाते हैं बेटा उसकी मार्केटिंग के लिए उसके प्रमोशन के लिए हम डॉक्टर्स को फिजिशियन सैंपल्स, सर हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा सर डॉक्टर्स को हम दवाई कुछ देते हैं ना फ्री में बेटा आपने कई बार देखा होगा सर डॉक्टर्स के पास एम देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेटा हाँ ना भाई वो जाते हैं और दवाई के सैंपल दे के आते हैं बेटा क्लियर कि सर ये दवाई आप देखिए ट्राई करिए और सर इसका प्रमोट करो और और जो पेशेंट आता है उनको ये दवाई लिखिए इसमें आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा बेटा और मरीज मतलब मरीज की बीमारी दूर हो जाएगी बेटा ऐसा अरे हाँ ना भाई तो वी आर आर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन हमने दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स को दी बेटा हा है ना भाई

माय क्वेश्चन इज दैट आराम से जल्दी नहीं वो दस लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी आंसर नहीं चाहिए मेरे को जल्दी नहीं चाहिए मेरे को क्लियर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर बताइए आराम से सोच के फ्री सैंपल्स फॉर सेल्स प्रमोशन बेटा अच्छा एक मिनट आपको कभी भी चेक करना है कि कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा कि नहीं आ रहा है तो कैसे चेक करोगे बेटा ये रहा लगाओ एक एक में फिट करो सर जल्दी है जवाब मत दो एक एक में फिट करके बताओ कि इसमें कवर हो रहा कि नहीं हो रहा है इसमें कवर हो रहा कि नहीं हो रहा फिर बताना सप्लाई है कि नहीं है सर एंड तक शेड्यूल वन खत्म हो जाए आपका तब बताना मुझे कि सप्लाई है कि सप्ला नहीं है देखो सर ध्यान से मैं तो बताई दूंगा सर आपको आप रिवाइज करिए बार सर बुक में नहीं बुक में नहीं सर यही पर एक एक मिनट आप अप्लाई करिए आराम से और सोचिए कोई जल्दी नहीं अच्छा सबसे पहले अप्लाई करो हमारा क्वेश्चन क्या है जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा लगे मतलब लेवी होगा कि नहीं होगा बेटा लेवी कब होता है सप्लाई होगा तो लेवी होगा बेटा सप्लाई है कि नहीं कहां देखना सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर वन क्लोज नंबर ए बोलता है क्या इट शुड बी फॉर आगे बढ़ने कहीं नहीं बेटा 10 लाख की दवाई हमने फॉर कंसल्टेशन दी नहीं बेटा क्लियर क्लोज ए में तो कवर नहीं क्लोज बी में मेंबर्स वाला कहानी तो है ही नहीं बेटा कहानी पे भी खत्म क्लोज नंबर बी में आ गए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो तो है ही नहीं बेटा ये तो की बात कर रहे हैं हम बेटा हाँ ना भाई क्लोज नंबर बी में भी कवर नहीं क्लोज नंबर सी में आ गए कोई बात नहीं विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई होगा अगर शेड्यूल वन में कवर है तो शेड्यूल वन का नंबर वन क्या बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ दी असेट्स ऑफ दी बिजनेस वेयर आप मुझे बताओ आपने दवाई खरीदी थी क्या नहीं। दवाई के खरीदने पे जीएसटी पे करके उसका आईटीसी लिया था क्या नहीं। दवाई तो आपने बनाई है बेटा दवाई के हो सकता है दवाई में जो इनपुट कामा है उसका आपने आईटीसी लिया होगा वो इनपुट को थोड़ा परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो यार है ना दवाई खरीदते उसके परचेस पे क्रेडिट लेते

एक तो पूरा रिवाइज भी हो गया, सेकंड आपको लॉ अप्लाई करना आ गया। ध्यान देना बच्चों, सर 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे दिमाग में आपको पर डायरेक्ट आंसर में बेटा प्रोसेस फॉलो करना हमेशा लाइफ में कोई क्वेश्चन आ जाए सप्लाई है कि नहीं है पहले क्या देखेंगे क्लोज नंबर ए सेवन वन ए फिर डबल ए बी फिर सीबी पूछना बेटा ये स्टेप्स फॉलो किया बेटा तो जीवन में कभी गलती नहीं होगी बेटा क्लियर पक्का डन तो है क्या शेड्यूल नंबर नंबर सेवन ये अरे ना भाई पक्का डन आइए सरकार आगे बढ़ते हैं हम हम सर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन की बात क्या था बेटा आवाज नहीं आ रही वन ए सर चिटिंग है ये क्या करे जीवन में कभी कभी चेटिंग करनी पड़ती बेटा सर देखो अच्छा एक मिनट चलो बताओ मैं आपको वन ए क्यों आया बेटा चेटिंग क्यों हुई बेटा उसके कारण मैं बता आपको आ, चलो ए भाई 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 सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन इधर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर सेक्शन नंबर सेवेन सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन ए मिनट अगर मैंने कभी सेवन वन ए बोला ना बेटा तो ये बोला बेटा सेवन ए नहीं बेटा क्लियर ये जो है ना ऊपर वाला इसको बोलते सेक्शन नंबर सेवन ए अरे क्लियर यार एक चीज और दिल में आई बोली तो क्या पढ़ा हूं केवल यार बहुत टाइम हो गया है ना यार एक चीज बताओ मुझे आप ये सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन है या सेक्शन नंबर सेवन क्लोज वन है क्वेश्चन समझे मेरा आप एक मिनट समझने की कोशिश करना बच्चों एक मिनट एक मिनट इस तरह के कई सारे एक्ट में कई सारे रूल्स वगैरह में आपने देखोगे प्रोविजंस बेटा कहीं पे वन होता है, कहीं पे ए लिखा है कहीं पे आई लिखा है बेटा है हाँ ना आई मतलब वन रोमन वन बेटा छोटा वाला अरे क्लियर हाँ जी इनमें से कौन सा है, कौन सा क्लोज है बेटा? वन जो है वो क्या है सबसेक्शन है ए है वो क्या है क्लोज है बेटा और ये जो रोमन वन है वो सब क्लोज है बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग क्लियर इनमें से एक भी सही नहीं था एक मिनट एक मिनट अच्छा बच्चों मैंने आपको क्या है? बोला फर्स्ट डे बेटा हम यहां क्यों आए सीखने के लिए आए पढ़ने के लिए आए क्लियर हमसे गलत अच्छी बात नहीं यार क्लियर यस आज कुछ नया सीख लेंगे सर आज कुछ तूफानी करते हैं सर यह yeah! सुनना सुनना अब समझना कि सर सब सेक्शन क्लोज ई क्या होता है अच्छा यही अगर मैं सेक्शन रूल लिख देता बेटा पे तो सब रूल नंबर वन <laughs> कुछ बातें मेरे दिल में बोल नहीं पाता बेटा सर <laughs> सर <laughs> मान लो <laughs> अच्छा यही पे अगर रूल लिखा होता तो रूल नंबर सेवन रूल नंबर वन

मान लो ये सेक्शन नंबर सेवन से शुरू हो रहा है बेटा एक मिनट और यहां लिखा है क्या सप्लाई इंक्लूड्स और फिर वन लिखा होता और यहां पे जो भी लिखा होता लिखा होता बेटा हाँ है ना भाई क्लियर और एक हमने पढ़ा था और हाँ ना भाई आप देख लीजिए सर हमने ये पढ़ा था सर ये रहा हाँ ना भाई क्लियर ये पढ़ा था बच्चों ठीक सर अगर ऐसा लिखा होता सेक्शन नंबर सेवन में लिखा होता सप्लाई इंक्लूड्स फिर यह लिखा होता तो ये होता क्लोज क्या होता ये क्लोज ओके okay, सर और अगर ऐसा लिखा है तो सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन है ये मतलब अगर सेक्शन जब शुरू हो रहा है रूल जब शुरू हो रहा है तब वहां पर पहले कॉमन लाइन लिखी है कोई ऊपर क्या लिखी है और उसके बाद कोई पॉइंट चालू हो रहे हैं इट कम इसका मतलब क्या बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमन लाइन लिखी है वो इन सब पे एप्लीकेबल है बेटा अरे हाय ना सर तो इस लाइन के ये क्लोजेज है बेटा ये सारे वन टू थ्री हाय ना सर उस पर वो कॉमन लाइन एप्लीकेबल हो रही है बेटा हूं करो रे क्लियर पर यही अगर सेक्शन सेवन जब शुरू हुआ था वहां कोई कॉमन लाइन नहीं थी बेटा डायरेक्ट Subsection number one. Divide कर बेटा मतलब सेक्शन नंबर सेवन को शुरू नहीं होने दिया उससे पहले क्या कर दे उसको कट लगा बेटा कोई लाइन नहीं है तो हाँ, सेक्शन एक कॉमन लाइन लिख रखी है है हाँ ना भाई नाउ दिस कॉमन लाइन इज एप्लीकेबल फॉर दिस प्रोविजन बेटा तो ये subsection one के क्या हो गए क्लोजेज हो गए

जीवन भर काम आएगा जीवन भर ओके okay? चले सरकार इनकेस ऑफ जीएसटी क्या सर आवाज आ रही इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन ए अच्छा अभी यहां ध्यान देना बेटा मैं बता रहा था कि वन ए कैसे आया बेटा पहले टू ही था बेटा देखो कभी भी कोई एक्ट बनता है ना बेटा तो वन टू थ्री ऐसे ही बनाते ये लोग बेटा सब सबसे बात करते बीच में ये जो वन ए कभी वन बी कभी टू ए देखा होगा ना आपने बेटा ये बीच में जब इंसर्ट किए होते, ये में होते रिदम करने के लिए उसको वही किया जाता उस से लिए होते हाँ है ना क्लियर अदरवाइज जब नया एक्ट बनता ये बीच में वन ए वगैरह नहीं होते तो जब जीएसटी नया नया था ना बेटा टू थाउजेंड सेवेंटीन में बेटा तभी वन ए नहीं था बेटा यहाँ पे क्लोजम डी हुआ करता था डी फोर डॉक्टर अब डिपेंड्स आपकी इमेजिनेशन क्या है बेटा सर सुनना सर इधर है उशरी। ओ भाई सेक्शन नंबर सेवन एक मिनट सब सेक्शन वन क्लोज नंबर डी हुआ करता था बेटा इधर 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 इस डी में जो लिखा था ना बेटा उसको यहां से कट किया बेटा और वही यहां पे सबसेक्शन वन ए बना के इंसर्ट कर दिया दो मिनट दो मिनट ना बच्चो उसका कारण है बेटा कुछ सर ये क्लोज नंबर डी में जो लिखा हुआ था वो क्लोज नंबर डी से हटा के फिर सबसेक्शन वन ए में लिखा गया कंटेंट को चेंज नहीं किया कंटेंट वही था जो डी में लिखा था वही कहा है वही कहा है शन वन ए में अब सर इसे फर्क क्या पड़ना अगर डी में लिखा होता तो एक कॉमन लाइन डी पे भी अप्लाई हो रही थी बेटा क्योंकि दिस इज द कॉमन लाइन फॉर सबसेक्शन वन बेटा तो सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज डी भी हो जाता बच्चे ये क्लियर पर द इंटेंट ऑफ द लॉ वाज नॉट दैट

सर मैं बता रहा हूं जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं मैं आपको क्वेश्चन बुक भी देने वाला हूं बेटा और वो भी हम पढ़ेंगे वो भी हम सोल्व करेंगे सर क्लियर सर जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े ना सर गारंटी सर एक भी क्वेश्चन तकलीफ आएगी तो सर हर एक चीज आपको लगेगा और ये भी आता है ये भी हो गया ये भी कवर हो गया क्लियर तो जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से सुनना दो क्वेश्चन question दी क्वेश्चन ओके okay? सर बाकी एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास भी नहीं सर, हाँ है सर अरे हाँ ना सर सुनना टाइम पास नहीं करते बेटा यहाँ पे सर पॉइंट इज दैट हर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है एग्जाम का ओके okay, बच्चों सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन ए कहता है क्या वो सारे ट्रांजैक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर टू कहां पे कवर है बेटा उनमें एक्चुअली डिस्प्यूट था डिस्प्यूट ये था बेटा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा क्या डिस्प्यूट था बेटा इधर ध्यान इधर ध्यान अरे पढ़ा दूंगा यहाँ फिट कर दूंगा आप सोचो ना सर एक एक दिन में जो हम पढ़ते हो अगले तीन दिन अगले सर दो तीन मिनट में रिवाइज हो जाता बच्चे आप सुनो मस्त हो सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन ए बोलता है क्या वो सारे ट्रांजेक्शन विचार कवर्ड इन शेड्यूल नंबर टू वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है सुनना 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 दो मिनट दो मिनट दो मिनट एक्चुअली क्या था बेटा देर वर सम डिस्प्यूट इन सम ट्रांजैक्शंस जीएसटी आने से पहले झगड़ा था कि ये गुड्स है कि सर्विस है क्या डिस्प्यूट था बेटा तो शेड्यूल नंबर टू ने क्या किया उसको झगड़े को खत्म करने के लिए सर लिख डाला है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा दिमाग खराब मत करना एग्जाम्पल दो बेटा मैं तो विजन तैयार होगा बेटा किसी रेस्टोरेंट में आप गए बेटा कहा गए बेटा वहा क्या खाया बेटा आपने खाना बेटा वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा किया बेटा आपने तो सर पानी पानी भी सर जिसके साथ पानी पीना बेटा उस पर जीएसटी यही नहीं बेटा क्लियर है सरकार दो मिनट, मिन, ओ मालिक ओ सरकार सुनना भाई आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया मान लो पाव भाजी मंगाई सर पोहे मंगाए सर वड़ा पाव मंगाया सांबर समोसा मंगाया सर चीज वड़ा पाव मंगाया क्या भूख लग रही भाई मान लो सर आपने खाना मंगाया सर दो सौ का बिल था बेटा आपने मान लो सर पाव भाजी खाई बेटा मिसल पाव, काटाकीर सर इधर देन ओ शरी, सर अब आपने मान लो पाव भाजी मंगाई दो सौ रुपए का बिल था बेटा आप मुझे बताओ आपने क्या खाया पाव भाजी बेटा गुड्स खाया कि सर्विस खाया बेटा बात को समझने की कोशिश करना सर यू टेल मी रेस्टोरेंट ने 200 रुपए का जो पाव भाजी आपको सर्व किया बेटा वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरा आपको खाया तो गुड्स ही बेटा हाँ है ना भाई अब सर दो सौ रुपए क्या है समझना बस यही झगड़ा था इसलिए शेड्यूल नंबर टू आया बेटा यही झगड़ा था इसलिए शेड्यूल नंबर टू आया और शेड्यूल नंबर टू ने बोला क्या दिमाग खराब मत करना मंगल अगर कोई ट्रांजेक्शन दिल थाम के सुना अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है चलो सर एज पर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन अगर वो सप्लाई ऑलरेडी है पर उसमें डिस्प्यूट है कि कि ऑफ ऑफ गुड्स है है सर्विस तो चिंता मत करना हमने उन सब ट्रांजेक्शन का ध्यान रखा है जिनमें डिस्प्यूट थे और वो सारे ट्रांजेक्शन कहा लिख डाले शेड्यूल नंबर टू में लिख डाले और वह झगड़ा ही खत्म कर दिया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ये 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 ऑफ 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 सर्विस सर्विस है 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 गुड्स और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है हा ना भाई क्लियर तो सर शेड्यूल नंबर टू क्यों आया बेटा केवल एक मिनट एक मिनट मिन, ये लाइन को सुनना बहुत जरूरी है शेड्यूल नंबर टू क्यों आया केवल ये समझाने के लिए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ ये समझाने के लिए नहीं आया कि वो सप्लाई है कि नहीं है और मेरे मालिक कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई ही नहीं है तो टू की बात तो आएगी ही नहीं अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आता है बच्चे क्लियर तो हम ये देखेंगे ऑफ गुड्स है कि से सर्विस है देख भी क्या कर लेगा बेटा हाँ साहब क्लियर इसीलिए क्या बोला सर इसीलिए सेक्शन नंबर सेवन सबसे क्या लिख दिया बेटा अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन वन के अकॉर्डिंग सेक्शन वन के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई है अगर सप्लाई है और उसमें अगर डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स कि सप्लाई ऑफ

ठीक है झगड़ा ही नहीं होगा क्योंकि सर बिफोर जीएसटी क्या बोला बेटा बिफोर जीएसटी जब सर्विस टैक्स और वेट हुआ करता था बहुत झगड़े थे बेटा दू मैं आपको रेस्टोरेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल बेटा पहले सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था बेटा सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था बेटा वेट और सेल ऑफ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू बेटा सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू बेटा किसका रेवेन्यू है सर? है कौन सा हाँ क्लियर और वेट आ गया लाइन पे आ गया बेटा बस मैं ही चल रहा था बेटा आपसे सर सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और वेट तो सर so, अगर सेल ऑफ गुड्स रेस्टोरेंट को अगर सेल ऑफ गुड्स मानते तो, तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है बेटा तो बेटा बेटा और रेस्टोरेंट को को अगर सर्विसेज मान ले तो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू मिलेगा पहले ऐसा ऐसा ही ही नहीं नहीं ना कि मिल के खाएंगे बेटा था ही नहीं। जो तेरा सर्विस टैक्स भी लगता था और वेट भी लगता था तुम भी खाओ भी खाए लोग भी खाए हा है ना आप बात समझ रहे हो बच्चो क्लियर पर देर सम सम्यूट तो झगड़ा ही खत्म कर दिया जीएसटी लाने के बाद और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल क्या बोला बेटा समझ रहा हूं क्लियर दिमाग खराब मत करना मंगल और वहां बोल दिया क्या दिस एंटायर ट्रांजेक्शन दो सौ रुपए का बिल पूरा ही क्या होगा सप्लाई ऑफ हो, सर्विस होगा क्योंकि अब झगड़ा वैसे भी नहीं है

Provisions, जो गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है तो सर वो प्रोविजन कौन से होंगे उसके लिए सर में टू पढ़ना पड़ेगा बेटा हाँ ना भाई? तो बोलता था बेटा। मैं जो न, जो बोला है सर पहली बात तो ये शेड्यूल नंबर टू की बात तभी आएगी अगर कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर सेवन है बेटा सप्लाई है और सप्लाई होगा तो ही डिस्प्यूट है कि की सप्लाई ऑफ सर्विस

बेटा जिंदगी का फर्स्ट क्रश सर इधर इधर ओके ओके सरकार मान लो इधर इधर सर पैरा नंबर सेवन जो था ना बेटा वो डिलीट कर दिया और डिलीट करके ये एओपी बीच दिख रहा है ना बेटा आपको ये पहले पैरा नंबर सेवन हुआ करता था बेटा वहां से डिलीट किया और क्लोज में डबल में डाल दिया बेटा Clear? अभी क्यों क्या थोड़ी देर में आएगा बच्चा आपको ठीक है चलिए सर शेड्यूल नंबर टू हम शुरू कर हैं बेटा अभी छह पेरा गए बेटा इसके अंदर पेरा नंबर वन पेरा नंबर वन एक बार थोड़ा थोड़ा वापस करो ना बेटा कैसे बोला आपने ये चलिए मैंने पानी पी लिया ओके, okay, अब चलिए सर ये शेड्यूल टू दे है बेटा एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड दो अप्रोच है बेटा या तो यह लिखा है ये पढ़ा दू और बता दू कि ये होता है सेकेंड अप्रोच मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे आंसर दे कि ये होना चाहिए

सरकार मान लो सर ये क्या है इधर इधर इधर, इधर मार्कर नेम मंगल ये मार्कर मैंने आपको बेचा बताओ बताओ ये सेल ऑफ गुड से कि सेल ऑफ सर्विस से बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा? यही मार्कर मैंने आपको रेंट पे दिया बेटा मैंने आपको रेंट पे दिया ये मार्कर बताओ क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों पक्का डन थर्ड यही मार्कर मान लो मैंने आपको बेचा पर वहां पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेस पे आप कर रहे हो मुझे क्लियर अच्छा यहाँ पे ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी बेटा बट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट बच्चा कंफर्म ऑनरशिप ट्रांसफर होगी होगी बच्चा क्लियर yeah. आप मुझे बताओ क्या बेटा yeah. 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 खत्म बेटा अरे क्लियर ओके चलो अब मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज में बोल दू बज बोल दू बैठा मैं आपको, yeah. बेटा मैं आपको? Yeah. मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों सर मैं आप लोग जो है बेटा इंटरमीडिएट में जो आप लोग यहाँ बैठो ना सर ये कुछ है यहाँ पे भारी वाली चीज बेटा आपके यार तभी यहाँ बैठे बेट, आप लोग तो सर मैं तो ये मानता हूं इसी को यूज कर लो ना यार हम इनको क्यों यूज करें बुक को केवल क्लियर जो चीज आपको आती मैं क्यों पढ़ाऊ यार ठीक है चलिए सर बस आप मेरे साथ इन्वॉल्व होकर बात करिए बच्चे फर्स्ट पॉइंट सर ओ भाई साहब पचास हजार रुपए देने पड़ेंगे सर अभी ये मंगल साफ आपको सेल किया बेटा मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करी बेटा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन दी गुड्स ऑनरशिप को टाइटल भी बोलते बेटा टाइटल ऑनरशिप ट्रांसफर ऑफ दी टाइटल इन दी गुड्स आप बताओ क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई सर्विस है बेटा <laughs> आवाज यानी सप्लाई ऑफ गुड्साउट मेरे को नहीं सेकंड सर मैंने गुड्स आपको दिया तो है बट उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी मैंने यूज करने के लिए आपको गुड्स दिया बेटा yes. आवाज रही सर्विस yes. अच्छा अब फॉर कंसिडरेशन होगा इन दी कोर्स होगा कि नहीं होगा वो सेक्शन सेवन में देख लेना बेटा आप लोग हम तो सप्लाई है तभी बात कर रहे हैं

थर्ड मैंने कोई गुड्स आपको सेल किया है ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर ध्यान सुनो ओनरशिप शैल ट्रांसफर क्वेश्चन पूछने वाला बेटा दो मिनट दो मिनट मिन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अच्छे अच्छे लोग आउट होते बेटा इसमें पर मेरी गारंटी है आपका सही आएगा बेटा सरकार ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स under an agreement, where ownership shall transfer upon payment of all the future installments. सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी और वो गुड्स मैंने आपको दिया अभी ई एमआई बेस पे बेटा इंस्टॉलमेंट बेस पे आपको मैंने बेचा है हायर परचेज बेस पे मैंने आपको बेचा है बच्चा बेचा है। ना बताओ क्या है ये सर क्या है सर्विसेज है क्या अल्टीमेटली ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी ना यार

और हाँ ना मालिक ठीक चलिए ये टू पेराइंट बेटा तीन तीनों खत्म होते हैं अब फर्स्ट है क्या ओनरशिप ट्रांसफर करी दी सर, इन यूज नहीं किया टेम्पर दिया बेटा गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड सर अगर मैंने इंस्टॉलमेंट बेस में आपको पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट बेस में पे ओनरशिप शेल ट्रांसफर अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट वो सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा ना भाई

सप्लाई ऑफ सर्विस एक नहीं बेटा मुझे बताओ आवाज आ रही हो ए? ठीक सर फाइनेंस लीज मान लो मैं कोई मशीन का सप्लायर हूं और आपने मेरे से मशीन फाइनेंस लीज पे ली बेटा जल्दी मत करना आराम से सोचना और फिर आंसर देना बेटा मेरे को जल्दी कुछ भी नहीं सर बिकॉज गुड इज नॉट इनफ फॉर सी परफेक्शन इज रिक्वायर्ड सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो <coughs> कोई मशीन में आपको सप्लाई करिए ऑन फाइनेंस लीज फाइनेंस लीज में क्या होता है बच्चों आप मान लो हर महीने मेरे को उसकी फाइनेंस लीज का पेमेंट करेंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपये कितना बेटा पचास हजार रुपए पर मंथ आप मुझे पे करेंगे एज अ फाइनेंस लीज कितना बच्चा एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एट द लीज पीरियड आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो इस गुड्स की ओनरशिप ले सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ सटन अमाउंट बेटा हाँ ना ऑप्शन नहीं होता ऑप्शन बेटा पचास हजार रुपए बेटा एंड पांच साल का लीज पीरियड था बेटा और पांच साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो दो लाख रुपए रुपए पे करके उसका ओनरशिप ले सकते हो बेटा हा <laughs> पे रुपीज टू एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स यू हैव ऑप्शन क्या एट एंड ऑफ़ लीज़ प्लेट कंपलसरी मेरे लिए ओनरशिप लेनी लेनी बेटा या ओनरशिप ट्रांसफर होगी होगी क्या ऐसा ऑप्शन है ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या बेटा चलिए अब क्वेश्चन वन मेरा आपके लिए बेटा मान लो

पर यही अगर हायर परचेज होता तो वहां पे ऑनरशिप शेल ट्रांसफर अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट हा है ना भाई हा यहां पे फाइनेंस में हर महीने जो पचास हजार पे करे सप्लाई सर्विस है बट एट एंड ऑफ़ लीज़ पीरियड अगर आपने ऑनरशिप लेने का ऑप्शन लिया और दो लाख रुपए दिए तो दो लाख का ट्रांजेक्शन वो दो लाख का ट्रांजेक्शन क्या होता सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। क्यों क्योंकि ट्रांसफर हो रही है उस दो लाख की वजह से पर की वजह से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही थी पर यही अगर हायर परचेस होता तो हर महीने की ई एम आई पचास हजार होती तो हर महीने जो आप पे करो ऑनरशिप के लिए पे करो बेटा हाँ है ना भाई भारत माता की जय आई होप बात बेटा आपको अरे यस एनो

प्रॉपर्टी इन गुड्स प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप इन दी ownership प्रॉपर्टी इन goods इन मतलब pass मैं नहीं लिखा है मिनट बच्चों आप चीजों को वर्ड को समझिए बेटा यहां अगर में लिखा होता ऑनरशिप मे ट्रांसफर तो तो वो फाइनेंस लीज में आ जाता बच्चा है हाँ ना बच्चा क्लियर ऑनरशिप शेल ट्रांसफर

मैंने आपको पढ़ाया नहीं है मैंने आपको डायरेक्शन दी है समझ रहे मेरी बात बेटा क्लियर आई एम सर गोल तो आपको ही मारने पड़ेंगे बेटा मैं समझा सकता हूं कि गोल कैसे मारे जा सकते बच्चा हाँ है ना भाई क्लियर पर सर खेलना तो आपको ही पड़ेगा क्लियर सर आइए पैरा नंबर टू <coughs> उधर नहीं बुक्स में नहीं सर ध्यान सर ये प्रीमाइसिस ये क्लासरूम ये बिल्डिंग हमने रेंट पे ली बेटा बताओ क्या है आवाज नहीं रही सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है सर हमने ये बिल्डिंग रेंट पे लीज पे लिए लाइसेंस पे लिए राइट टू ऑक्यूपाई लिया है अलग अलग लीगल एग्रीमेंट होते बेटा इसके टेनेंसी राइट्स लिए अल्टीमेटली सेल नहीं हुआ है सर हा है ना बेटा सर बताओ क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर समझे मेरी बात अच्छा सर मैंने कोई लैंड जमीन रेंट पे ली है लीज पे ली है लाइसेंस पे ली है टीरेंसी प्रीमियम पे किया है बताओ क्या है सर आवाज नहीं आ रही भले ईज़मेंट राइट लिया हो टीरेंसी राइट लिया हो रेंट पे लिया हो लाइसेंस पे लिया हो ये सब क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस अलग अलग लीगल टर्म से बेटा हाँ ना भाई ये सारे क्या सप्लाई ऑफ सर्विस कोई डाउट बेटा आवाज नहीं आ रही हो ठीक है सर भली कमर्शियल हो इंडस्ट्रियल हो रेजिडेंशियल भी है तो भी सप्लाई सर्विस है हम पढ़ेंगे आगे बेटा हाँ ना भाई ठीक सर ये पेर नंबर टू खत्म बेटा पेरन नंबर थ्री उधर में देखना कसम मान लो मैं एक मैकेनिक बेटा क्या करता हूं बेटा रिपेयरिंग अरे हाँ ना किसका रिपेयरिंग बेटा गाड़ी क्या बेटा किसकी गाड़ी का जिसकी गाड़ी होगी उसकी गाड़ी का बेटा का? का तो मैंने किसी और की गुड्स का रिपेयरिंग कर दिया क्लियर बताओ क्या है ये? Yes. आवाज रही ये सर्विस क्लियर समझे तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू समबडी एल्स हा ना भाई किसी और की गुड्स पर मैंने रिपेयरिंग कर दिया हा भाई सप्लाई ऑफ सर्विस समझा मेरी बात बहुत अच्छा बेटा अरे क्लियर डन अच्छा एक मिनट एग्जाम्पल और बेटा मैं सुनो सरकार जैसे मैं हूं एक टेलर बांध लो सर शर्ट सिलता हूं बेटा मैं हाँ ना स्टिचिंग का काम करता हूं मैचा आपने मुझे कपड़ा लाके दिया आपका नाप मैंने लिया एकदम मस्त क्लियर सर और मैंने कपड़े स्टिच किए बेटा और आपसे मैंने फाइव हंड्रेड चार्ज किया टू स्टिच द शर्ट बेटा बताओ वो पांच सौ रुपए जो स्टेलर ने लिए वो क्या है क्लियर गुड्स आपकी और ट्रीटमेंट मैंने किया बेटा हाँ ना भाई अरे क्लियर पक्का तो सर ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू समी एल्स इज ऑफ सर्विस अच्छा सर जॉब वर्कर इसमें कवर होगा बेटा अच्छा जॉब वर्कर क्या होते हैं बेटा सर जैसे आपने कोई मेरे को कपड़ा दिया मेरी बड़ी फैक्ट्री बेटा और उसमें मैंने सर स्टिचिंग करके शर्ट बना के दिए बेटा आपको या आपने मुझे धागा दिया बेटा थ्रेड रहा है ना बेटा और उससे मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर लूम जो होती है फैक्ट्री बेटा क्लियर उसमें क्या किया बेटा सर कपड़ा बनाया बेटा मैंने और आपको वापस दे दिया बेटा जॉब वर्क चार्ज मैंने चार्ज किया बेटा अरे हाँ ना भाई क्लियर समझे मेरी बात डन तो ये क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस अरे क्लियर सर मान लो बहुत अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड सर आज जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड आप देखते हो बेटा लेबइस हो गया मुफ्ती हो गया मंगल सार यार सर क्या विमल जुबा शी सरकार पान पराग बेटा वेरी गुड और और कुछ कमला पसंद सर सुना रे ओ शेरी इधर इधर राजश्री ओके इधर इधर अब सर जींस आपने कई बार देखा होगा सर जितने भी ये लेवाइस हो गया मुफ्ती हो गया सर जितने भी बड़े बड़े कपड़े ब्रांड ब्रांड आप देखते हो इनके फैक्ट्रीज खुद की नहीं है सर ये क्या करते कपड़ा देते फैक्ट्री वालों को और उनको जॉब वर्क बेस पे काम देते बेटा एंड वो अपना जो कपड़ा होता है उससे क्या बनाते बेटा वो शर्ट या जींस बनाया उन्होंने और वापस दे दिया इस ब्रांड को वो क्वालिटी कंट्रोल कर लेते चेक कर लेते अपनी ब्रांडिंग लगा लेते भारत ही जाए बेटा क्लियर तो वो फैक्ट्री वालों ने क्या किया बेटा किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट किया बेटा प्रोसेस किया है दैट इज अ जॉब वर्क दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर कई सारी फैक्ट्रीज है बेटा जो क्या करती है जॉब वर्क बेस पे काम करती है बेटा हाँ है ना दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और उसमें क्या लग जाएगा बच्चा जीएसटी सर्विसेज के प्रोविजन लगेंगे ये पैरा नंबर थ्री बेटा कोई खास बात कोई टफ बात नहीं पैरा नंबर फोर uh <coughs> oh. बहुत मजा आ रहा है बेटा रात की उतरी नहीं दिखती अभी तक बेटा <laughs> सर सो <laughs> केस so क्या बोला सर हम पढ़ रहे क्या शेड्यूल नंबर टू सर ये देखिए पेरा नंबर टू वॉज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग लीज टेनेंसी इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड सर या लीज आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ना भाई क्लियर yeah. जैसे दुकान हमने रेंट रेंट पे ली, ये रेंट पे क्लासरूम ने लिया सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों ठीक है ट्रीटमेंट और प्रोसेस किसी और की गुड्स पे मैंने प्रोसेस किया बेटा हाँ ना भाई क्लियर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर जॉब वर्क ना भाई क्लियर अब आ रहा है क्या पेरा नंबर For it's regarding business, assets. Okay. Okay. यही से पढ़ाऊंगे बताऊंगा अच्छा, भाई सप्लाई है कि नहीं है ये मुझे अभी नहीं आता है सप्लाय होगा तो ही हम यहां पहुंचे बेटा वो पड़ाओ पार करके यहां पहुंचे बेटा क्लियर तो मुझे बताओ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस

वो देख लेना सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन में फॉर अ कंसीडरेशन है विदाउट कंसीडरेशन है क्या है क्या नहीं विदाउट क्या ओके बच्चे यहां तक क्लियर ठीक सर सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स भले वो फॉर अ कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन है, है नहीं है ये मेरे को कंसर्न नहीं है हाँ, अगर परमानेंट ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा पर यही बिजनेस का सेट यही बिजनेस का सेट। मैंने आपको परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया टेम्परी ट्रांसफर किया या इसको कुछ दिन यूज करने के लिए दिया बेटा आवाज यारी होन लेख बेटा हा है ना बताओ क्या है बताओ क्या है सर आवाज जारी हो सर सप्लाई ऑफ सर्विस ये से नो क्लियर परमानेंट ट्रांसफर किया तो क्या है बेटा वो सप्लाई ऑफ गुड्स कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा बेटा oh. अच्छा कोई खास बात ऐसी कोई टफ बात है कि जिसको बोलते हैं oh. लैंग्वेज सुनना है बेटा टेम्प्री ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस बेटा मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं बेटा तो तो क्या किसी और को दे रहा हूं क्या यार सर अगर किसी और पर्सन को इन बिजनेस के गुड्स को यूज करने के लिए दे रहा हूं बेटा अरे हाँ ना भाई क्लियर वो क्या होगा बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्लियर भले उसके पर्सनल यूज में काम आ रहा है प्राइवेट यूज में काम आ रहा है या सर किसी और बिजनेस में काम आ रहा है मतलब अपने बिजनेस के अलावा किसी और को दे रहे आपने तो टेंरी ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा बात क्या लाएगा बात नो क्लियर डन एग्जाम्पल दो बेटा मैं आपको मान लो सर, क्या हुआ विजय सर की विजू भैया बेटा विजय सर की शादी हो रही है बेटा मान लो क्या विजु भैया की शादी हो रही है। नहीं ये मैंने नहीं बोला बेटा तुम दूसरी पहली समझाओ बेटा वो सपना अगर होगा तो ही बात करो बेटा मैं देखो यार तो सर सर अब विजू भैया की शादी हो रही है शादी होगी नहीं हो रही है बेटा आप समझो क्योंकि जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें शादी होने के बाद वो गुड्स काम नहीं आएगी बेटा उससे पहले काम काम आती है उस टाइम आती है कैमरा कैमरा बेटा सुना सर मान लो विजू भैया की शादी हो रही है अब ये जो क्लास में कैमरा लग रहा है बेटा विच इज द असट ऑफ दी बिजनेस घर लगे बेटा रिकॉर्डिंग करने के लिए बेटा आप समझे मैंने क्यों बोला आपको बेटा शादी हो रही है हो गई नहीं है ओके हाँ। सर, सुनना बात ध्यान से सर विजू भैया इधर इधर विजू भैया की शादी हो रही है अब उन्होंने क्या किया बेटा ये कैमरा जो हमारे बिजनेस का सेट है बेटा ये घर लगे बेटा और सर नागिन नागिन बेटा हाँ है ना डांस हो रहा है मजे कर रहे हैं पार्टी शार्टी बना रहे और अपने पर्सनल और प्राइवेट को यूज किया और सर हमने तो टेम्परिरी गुड्स को दिया उनको बेटा बिजनेस को बेटा फॉर यूज अदर देन फॉर दर्पज ऑफ बिजनेस बताओ क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस हा है हाँ ना भाई क्लियर समझे मेरी बात सर मान लो अभिषेक सामने भैया को बोला शादी हो गई अब कैमरा परमानेंट तेरे पास रख हमको नहीं चाहिए हाँ है ना भाई तो क्या होता बेटा बेटा ये सप्लाई ऑफ़ गुड्स अरे क्लियर समझे मेरी बात अरे हाँ है ना भाई समझे अच्छा अब वो सप्लाई है कि नहीं है वो मेरा वो बात ऑलरेडी मैं कर चुका बेटा अगर सप्लाई होगा तो यह बात कर रहे बेटा क्लियर डन चलिए सर सर ये था पैरा नंबर फोर क्लोज नंबर बी सर अब क्लोज नंबर सी एक मिनट मान लो वेन अ टैक्सेबल पर्सन या फिर ऐसे बोल देता हूं मैं वेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर कोई पर्सन है ना जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया कैंसिल करा दिया या डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया भाई लात तक के बाहर निकाल दिया बेटा क्लियर तो सर पैरा नंबर फोर नंबर सी बोलता है कि अगर कोई पर्सन ने When a to be a person, क्या कर, दिया? कर दिया तो जितने भी गुड्स उसके बिजनेस है जिनके पे उसने आई टी सी लिया था वो सब ये मानेंगे उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिया और उन सब पे क्या लग जाएगा जीएसटी क्यू क्योंकि जब परचेज किया होगा तब वो जीएसटी में रजिस्टर था बेटा जीएसटी में रजिस्टर था उसने क्रेडिट ले ली बेटा क्रेडिट क्यों दी बेटा क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर था बिजनेस पे जीएसटी पे करेगा अब अगर उसका तो तो जीएसटी और, वो और, और, और ले चुका, बिजनेस अभी भी काम आ रहा है हाँ हा है ना भाई इसलिए उन सारे एसेट को क्या मान लेंगे उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स वेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन तो सारे गुड्स क्या मान लेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे पर इसके दो एक्सेप्शन बेटा कितने एक्सेप्शन बेटा दो अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है hires, मतलब हो ना, हाँ ना? हरिओम बेटा अरे क्लियर तो सर उसके जो लीगल हायर्स से वो अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा पता है सर जो गया उसका पेन नंबर अलग

To be a person, तो क्या मानेंगे सर सारे खुद खुद ही गुड्स खुद except उसने क्या किया सर वेन बिजनेस इज गेटिंग ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स या तो वो उसका लीगल हार है या वो किसी और को बिजनेस ट्रांसफर कर concern, रहा है और एज ए गोइंग है बच्चो हा भाई क्लियर हाँ। तो इसी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा अदरवाइज सप्लाई गुड्स लाएगा नंबर खत्म होता है अब

सर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ब्रेक चाहिए बेटा आपको कई बार लाइफ में मिलता नहीं बेटा ब्रेक सर मान लो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी दे रहा हूं ब्रेक दे रहा हूं पांच मिनट लगेंगे मेरे को बेटा क्लियर उसके बाद बात करेंगे बेटा पॉइंट मेरा आपसे ये रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इधर इधर रेंटिंग ऑफ वोट अरे रेंटिंग ऑफ वोट आप मुझे बताओ क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स गुडी सप्लाई ऑफ सर्विस है भाई सप्लाई ऑफ सर्विस को डाउट? मेरे को भी नहीं बेटा अच्छा रेंटिंग में बेटा सर जैसे ये क्लासरूम हमने रेंट पे लिया कोई ऑफिस हमने रेंट पे लिया कोई घर हमने रेंट पे लिया सर भले ही वहां पर इफेक्टिव पोजीशन और कंट्रोल ट्रांसफर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेंटिंग के स्कोप में आता है वापस सुनना वो प्रमाइसिस का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजिशन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ उसे कंसर्न नहीं है अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी रेंटिंग कहलाएगी बेटा एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा मैंने क्या बोला बेटा जैसे आप किसी आ, कभी शॉपिंग मॉल गए बेटा आप नहीं गए बेटा जीवन में कुछ ऐसा करो जो आपको कोई ले जाए बेटा सर हाँ, हम लेके जाए बेटा सर एज द केस बेटा Clear? या तो आप डिपेंडेंट या वो डिपेंडेंट बेटा और ना तो सर दोनों मोहब्बत में है बेटा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बेटा खत्म बात बेटा क्लियर फिर मोल जाने की जरूरत है ही नहीं बेटा वेरी गुड बेटा सर <laughs> 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 सर इधर इधर पॉइंट इज दैट हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं तेरी बात बेटा भावना समझता हूं मैं बेटा सुनना भाई भाई इधर मान लो माल सर शॉपिंग मॉल में कई बार देखना जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है ना सर जो बहुत बड़ा फ्लोर होता है सर वहां पे कई बार सर कई सारे ब्रांड वाले एक स्पेस रेंट पे लेके अपनी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे होते बेटा होता है ना वो केनोपी लगा के और कई बार क्लियर सर सूट केस ले लो वीआईपी की अलग अलग साइज की होती बेटा कई बार देखा होगा आपने परफ्यूम्स ले लो और है हाँ ना वो परमानेंट दुकान नहीं बेटा वहाँ परमानेंट दुकान नहीं अच्छा परमानेंट दुकान मैंने रेंट पे ले रखी हुई थी तो, तो सप्लाई सर्विस सही है बेटा वो टेम्परेरी बेटा दो दिन के लिए बेटा क्लियर अच्छा उस एरिया का इफेक्टिव कंट्रोल और पोजिशन ट्रांसफर नहीं किया कोई भी वहां पे आ सकता है कोई भी जा सकता है बच्चा हा है ना बाकी दुकान रेंट पे ली तो जैसे क्लासरूम ने रेंट पे ली तो ऐसा नहीं कोई भी आया कोई भी जाए बेटा

इसकी बिल्डिंग की छत पे गए कभी आप बेटा नहीं गए बेटा सर हम जाते हैं कभी कभी बेटा किसके साथ जाते हैं बेटा पतंग उड़ाने जाते हैं बेटा वेरी गुड बेटा सर सुना सुना पता है इस बिल्डिंग के ऊपर छत पे एयरटेल का, का टावर लगा हुआ है सर एयरटेल का टावर लगा है नहीं पता आपको बेटा क्या बात कर रहे हो रेंज नहीं दिया अभी आपको ये वो तो इसलिए क्योंकि सर इतना बड़ा क्राउड होता ना सर इसलिए वो कंजेशन होता है नेटवर्क का बेटा इसलिए ओके अरे भाई उसका कारण क्या है कभी आपने दिया देखा दिया दीपक <laughs> सर दीपक जब जलता है ना बेटा वो दुनिया को उजाला देता है पर खुद अंधेरे में रहता है बेटा अभी पढ़ाऊ बेटा या पकाऊ बेटा सही सुनना तो सर वो जो छत के ऊपर टावर लगा रखा है सुना एयरटेल से एग्रीमेंट हुआ हुआ है यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट बिल्डिंग का सोसाइटी का कि आप टावर तो लगा रहे हो रेंट देना पड़ेगा ऐसा तो नहीं ना है ना बेटा जो आया टावर लगा के चला जाए बेटा। <laughs> पता नहीं जब बैच खत्म होगा मैं घर जाऊंगा तो लोग मेरे को पहचाने कि नहीं पहचाएंगे बेटा <laughs> ये कौन गया था और कौन आया <laughs> सर अब सर आप मुझे बताओ वहां पे एयरटेल से यस किया इस बिल्डिंग ने, कि आप टावर लगा सकते हो तो रेंट जा नहीं सकता है बेटा क्लियर हमारी मर्जी छत तो हम पे जाएंगे हमारी मर्जी छत तो पे हम झुलेंगे हमारी छत इच्छा होगी तो हम टावर पे चढ़ भी जाएंगे बेटा हा भाई क्लियर फिर भी रेंट दे रहा है बेटा वो प्रॉपर्टी एंड ये सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई सर्विस जीएसटी लगेगा वो भी रेंटिंग होता है बेटा. Yes no? भाँगा। 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 क्या चल रहा है बेटा जीएसटी में क्या चल रहा है बेटा सर सरकार ये पेरा नंबर फाइव शुरू किया बेटा हमने क्लोज नंबर ए रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अरे क्लियर कई बार आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल वगैरह में सर वेंडिंग हाँ और डिस्पेंसिंग मशीन लगी हुई थी बेटा हाँ है ना बेटा आइसक्रीम की कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बेटा हाँ है ना भाई क्लियर वो भी एरिया रेंट पे दिया बेटा भले इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया है या नहीं किया दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस यस या नो क्लास नंबर बी मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच सर आई होप समझ आ रहा है आई होप मजा आ रहा है बेटा आपको पक्का चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद जो वीडियो क्लासेस में है सर है वो ब्रेक ऑफ टेन मिनट्स पर सर दस मिनट में शुरू करना है क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो शुरू हो रहा है वो धमाकेदार है बेटा माहौल के साथ बेटा ओके डन सर चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू बाय